हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपके अपने चैनल जेके विजन बाग। दोस्तों, आज जिस सिख शहर की यात्रा पर हम आपको लेकर जाने वाले हैं, वो एक ऐसे देश की राजधानी है जिसके एक नहीं बल्कि दो कैपिटल है। अगर आपको एक शांत जगह को एक्सप्लोर करना पसंद है तो ये जगह आपके लिए ही बनी है, क्योंकि इस सिख शहर में भगवान बुद्ध की सबसे ज्यादा पूजा की जाती है। यहाँ कुछ ऐसी जगह है जहाँ जाने के बाद आप अपनी सारी परेशानी को भूल जाएंगे। इस सिख शहर में एक ऐसी बिल्डिंग है जिसे दुबई के बुर्ज खलीफा और सिडनी के ओपेरा हाउस से इंस्पायर होकर बनाया गया है, ताकि लोग आए और शहर में ही सिडनी और दुबई जैसी वाइब को एंजॉय करें। जिन लोगों को शॉपिंग पसंद है उनके लिए ये शहर घूमने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस शहर में आपको मिलेगी फ्लोटिंग मार्केट के साथ शॉपिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेसेज। खाने के लिए आपको यहाँ इंडियन टेस्ट मिलेगा और वे भी ऐसा जो दूसरी कोई सिटी नहीं दे सकती, इसलिए तो इसे इंडियंस इतना पसंद करते हैं। चलिए अब आपकी एक्साइटमेंट को खत्म करते हुए इस शहर का नाम ही बता रहे थे हैं। ये शहर है श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो। तो दोस्तों, देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीज अच्छे से और निकलते हैं कोलंबो की एक शानदार सवा पर। दोस्तों, कोलंबो वो शहर है जिसे हम श्रीलंका की राजधानी के तौर पर जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, आप भी सबसे पहले कोलंबो का ही नाम लेंगे। लेकिन दोस्तों, इसकी पीछे भी एक फैक्ट है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल कोलंबो एक अकेला ऐसा शहर नहीं है जो श्रीलंका की राजधानी हो, बल्कि इसके साथ एक और शहर का नाम लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि श्रीलंका के दो कैपिटल कैसे हो सकते हैं। तो श्रीलंका उन कुछ देशों में शामिल है जिनकी दो राजधानी है। एक राजधानी है कोलंबो और दूसरी है श्री जयवर्धनापुराकोटे। श्री जयवर्धनापुराकोटे श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी है, वहीं कोलंबो श्रीलंका की व्यापारिक राजधानी है। कोलंबो देश के कैपिटल सिटी होने के साथ साथ इस देश का सबसे पॉपुलर शहर भी है। दोस्तों, आबादी के लिए हाथ से कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है, जहां रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन 633,000 के करीब है, जबकि शहर का कुल क्षेत्रफल 37.31 वर्ग किलोमीटर है। ये शहर रहने के लिए श्रीलंका के दूसरे कुछ शहरों के मुकाबले सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इस शहर के लोग खुले दिल के होते हैं और हर किसी को अपना समझकर उसके साथ बात करते हैं। यहाँ रहना इसलिए भी आसान रहता है क्योंकि कोलंबो में देर रात तक बिना डर के घुमा जा सकता है। एक समय ऐसा था जब इस शहर में क्राइम रेट सबसे गंदी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका ग्राफ बढ़ा है। लेकिन अगर आप पूरी सेफ्टी के साथ इस शहर को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचते हैं, तो आप अपनी कोलंबो की ट्रिप को एक यादगार ट्रिप बना सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, ये एक ऐसा शहर है जहां की नाइट लाइफ आपको इस शहर में और रुकने के लिए मजबूर कर देगी। आप पूरे श्रीलंका को एक्सप्लोर कर लीजिए, लेकिन आपको कोलंबो से बेहतर नाइट लाइफ कहीं नहीं देखने को मिलेगी। यहां के बार्स, कैसीनो और पब्स आपको देर रात तक खुले में मिल जाएंगे, जहां हमेशा लोगों की भीड़ दिखाई देगी। कोलंबो की लोगों की बात करें तो जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ के लोग साफ दिलों के होते हैं। इसके साथ ही इसे शहर की लोग काफी शांत नेचर के भी माने जाते हैं। जब आप कोलंबो में रहने वाले किसी भी एक इंसान से मिलेंगे तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी, जैसे आप पहले भी उससे मिल चुके हैं, क्योंकि हर कोलंबियाई आपको अपने फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करेगा। सिगली और तमिल देश की नेशनल लैंग्वेज है। वैसे तो पूरे श्रीलंका में आपको इसी भाषा में बात करते हुए लोग दिखाई दे जाएंगे, लेकिन कोलंबो में सबसे ज्यादा लोग सिगली भाषा में बात करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में अब कोलंबो में भी तमिल भाषा का काफी ज्यादा यूज होने लगा है। श्रीलंका की लगभग 71% आबादी बौद्ध धर्म को मानने वाली है, और आपको देश में लगभग हर जगह बुद्ध की मूर्तियां और थांका दिखाई देंगे। कोलंबो में कई बौद्ध मंदिर भी है। सबसे प्रसिद्ध में से एक है गंगा रामया मंदिर। वैसे तो आपको कोलंबो में कई ऐसी जगह देखने को मिल जाएंगी जो बेहद ही शांत है, लेकिन जब बात इस मंदिर के आती है तो आपको यहाँ से शांत जगह पूरे श्रीलंका में कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि जो लोग धार्मिक नहीं है, मंदिर के सुंदरता उनका भी दिल चीत लेगी। लिली और दूसरे शहरों में आपने सकान मंदिर देखे होंगे, बस वैसा ही कुछ है यह मंदिर। मंदिर के अंदर एक बड़ी लाइब्रेरी है और एक म्यूजियम है, जहां आप बौद्ध धर्म से संबंधित बुक्स को पढ़ सकते हैं, और म्यूजियम के अंदर कई और दिलचस्प पर चीजें भी देख सकते हैं। अगर आप कोलंबो जाने के प्लानिंग कर रहे हैं और हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आप गंगा रामाया मंदिर देखने वाले हैं, तो कोशिश करिएगा कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस मंदिर को देखने जाएं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये मंदिर सबसे ज्यादा देखने लायक होता है।
दोस्तों, कोलंबो एक ऐसा शहर है जहां आपको ढेर सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते दिखाया देखा हैंगे। इन में से कई ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो आपको बस इसी शहर और इसी देश में देखने को मिलेंगे। दुरुदु पेरा हेरा एक ऐसा फेस्टिवल है जो से कोलंबो के साथ पूरा श्रीलंका पूरे एक्साइटमेंट के साथ मनाता है। दुरुदु पेरा हेरा ऐसे गौरवशाली और पारंपरिक त्योहारों में से एक है जो हर साल जनवरी में मनाया जाता है। ये 3 दिनों तक चलता है और श्रीलंका के सबसे बड़े उत्सवों में से एक है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी शामिल होते हैं। अगर आप कोलंबो के ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ट्राई कर रहे कि इस फेस्टिवल के टाइम के ट्रिप प्लान करें, ताकि आप इनका हिस्सा बन सके। दोस्तों, कोलंबो में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कुछ ही सालों पहले, क्योंकि यहां जाकर करने के लिए आपके पास काफी कुछ है, पतंगबाजी, मछली पकड़ने, फुटबॉल, बीच वॉलीबॉल, जॉगिंग या समुद्र तटपारा से टहलने जैसे एक्टिविटीज पसंद है, तो ये जगह आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप इस ऑप्शन को अपनी कोलंबो ट्रिप में ऐड करते हैं, आपकी ट्रिप यादगार होना बिल्कुल तय है। अगर आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इसलिए तो आपको श्रीलंका और खासकर कोलंबो में अपने घर जैसा खाना मिलेगा। इसलिए तो कोलंबो इंडियाज के लिए खास रहता है। पड़ोसी देश होने के नाते अब श्रीलंका का फर्ज बनता है कि वो अपने पड़ोसी देश से आए लोगों की अच्छे से मेहमान नवाजी करे। कोलंबो में आपको स्पाइसी फूड ही ज्यादा मिलेगा। यहाँ कुछ डिशेस तो ऐसी हैं जो इतनी ज्यादा टेस्टी है। इससो वादाई कोलंबो की एक और पॉपुलर डिश है जो दाल से बनती है। अगर आप पहली बार इससो वादाई को खाएंगी तो आपको ये खाने में थोड़ा मोमोज की तरह लगेगा। इन सब के अलावा कोलंबो में खाने के लिए बम्बई मुटे, हार्प, स्मूसा, पोटू रोटी जैसे कई सारे आप एक आपको लगेगा। ये सभी चीजें ऐसी हैं जो आपकी कोलंबो की ट्रिप को और भी ज्यादा यादगार बना देगी। अगर आप कोलंबो की इससे प्लान कर रहे हैं, तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। जैसे कि कोलंबो में बुद्ध को काफी ज्यादा माना जाता है। अगर आप यहां आकर बुद्ध की पूजा करने के बारे में सोच रहे हैं, हर छोटी चीज का ध्यान रखना जरूरी है जिससे कोलंबो की लोगों को बुरा ना लगे। आपने शरीर के किसी खुले हिस्से पर बुद्ध का टैटू बनवाया है तो पूछताछ से बचने के लिए इसे ढक कर रखें, क्योंकि ऐसा करना कोलंबो में घर कानूनी माना जाता है। कोलंबो घूमने के लिए जितना हो सके रिक्शो यानी टुक टुक से बचे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोलंबो में टुक टुक चिलाने वाले दूसरे देशों से आए लोगों से अपनी मनमर्जी के हिसाब से अच्छा खासा पैसा वसूलते हैं। चलिए आपको बताते हैं कोलंबो जाने का सबसे सही समय क्या है और आप कितने बजट में कोलंबो घूम सकते हैं। कोलंबो जाने का सबसे अच्छा समय दिसंबर से मार्च और जुलाई से सितंबर तक है। साल के इस समय में मौसम न केवल सुहावना होता है बल्कि बारिश और धूप भी ज्यादा नहीं होती। अपने कुछ प्रमुख शहरों से कोलंबो के लिए कई कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिलते हैं। टूरिस्ट के लिए मुंबई, दिल्ली, केरला, बेंगलुरु, कोलकाता और पुणे से हर रोज कोलंबो के लिए डायरेक्ट फ्लाइट के सर्विस भी है। कोलंबो जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत होती है, जो आपको आसानी से मिल जाएगा। आप कोलंबो के वीजा के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। श्रीलंका भारत के बिल्कुल बड़ोस में है, इसलिए अगर आपको ये सिटी एक्सप्लोर करनी है तो आप अपने बजट में ही कोलंबो के साथ श्रीलंका के दूसरे शहर में घूम सकते हैं। 60-75 हजार रुपए के बीच में आसानी से घूम सकते हैं। यहाँ की करेंसी श्रीलंकन रुपीज है। तो दोस्तों, ये था श्रीलंका की दो राजधानियों में से एक कोलंबो शहर, एक ऐसा शहर जहाँ आपको वो सब मिलेगा जो हर तरह से खास है। हमारी आज की वीडियो में आपने कोलंबो से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में जाना। अगर आप कभी कोलंबो या फिर श्रीलंका गए तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।